घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। घर बैठे संगीत सीखना, संगीत का रियाज करना। कितना रियाज करना? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। बड़े बड़े कलाकारों के हमने कहानियां सुनी हैं, बड़े बड़े कलाकारों के हमने किस्से सुने हैं कि वो इतना घंटे रियाज करते थे। उतना घंटे वो रियाज क्या करते थे और कैसे कर लेते थे? आज उस पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जैसे विद्यार्थी कैसे उसके ज़रा भी करीब पहुंच पाएं। उतना तो नहीं, पर हाँ, कैसे हमारे रियाज का टाइम बढ़ा पाएं और कैसे और सीख पाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, कुछ अपनी सोच शेयर करूंगा जो मैं संगीत को लेकर समझता हूं और चाहता हूं कि आप तक भी वो चीज़ पहुंचे। तो सबसे पहले तो हम ये अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि हमारे पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। हर कोई घर बैठा हुआ है। जिसको बाहर जाकर काम करना होता था वो भी घर ही बैठा है, क्योंकि बाहर काम नहीं हो रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने का यही एक इलाज है फिलहाल। कि हम उसे फैलने से कैसे रोकें, तो हम अपने आप को क्वारंटाइन करें, एक जगह बंद रखें। तो उसके कुछ फायदे भी हैं जो हमें मिलेंगे। लोग इससे परेशान बहुत हो रहे हैं कि घर में रहना पड़ रहा है, करें क्या, बोर हो जाते हैं, मजबूरी हो गई है, बाहर नहीं निकल सकते, पूरा पूरा दिन क्या करें क्या नहीं करें। मगर उसमें उस टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे हो, बेनिफिशियल कैसे बनाएं उस टाइम को, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। हम उस टाइम को वेस्ट ना करें जो हमें दिन मिले हैं, कैसे उन दिनों का हम फायदा उठा लें, है ना। कैसे ही कहते हैं ना, वो जो एक गीत जो मैंने अभी गाया था कुछ दिनों पहले, गोपाल दास नीरज का है, कि जब हाथ से टूटे ना अपने हथ खड़ी तो मांग लो ताकत स्वयं जंजीर से। कि उसी प्रॉब्लम में से कैसे आपको बेनिफिट निकालने हैं, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा जिक्र करता हूँ एक चीज़ का, कि संगीत में, शास्त्रीय संगीत में एक चीज़ होती है जिसे हम चीला कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक इंसान, एक संगीतकार अपने आप को 40 दिन तक एक ही कमरे में, एक ही जगह बंद कर लेता है और वहां बैठकर रियाज करता है घंटों, पूरे दिन। उसमें क्या क्या होता है कि एक सेवक जो होता है वो परमानेंट उसके साथ लगा रहता है, कि दिन में 3 टाइम 4 टाइम जब भी वो खाना खा रहा है, उस टाइम के वो वहां से हटेगा नहीं, आसन उसका वहीं लगा हुआ है और वो सेवक वक्त वक्त पे आके उसको उसका खाना, भोजन जो है वो दे रखा है। बाकी दैनिक जो दिनचर्या के जो कर्म हैं वो करने के लिए वो वहां से उठेगा, वगरना वो वहाँ से नहीं उठेगा। वो उसी जगह, उसी स्थान पर बैठा है, वहीं खाएगा, वहीं पिएगा, वहीं सोएगा और वहीं रियाज करेगा। पूरे दिन की ये दिनचर्या होती है। ऐसा हम, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जो वो पूर्वज हैं हमारे, संगीतकार हैं, कलाकार हैं, वो किया करते थे ऐसा, क्योंकि उतना वक्त वो संगीत को देते थे और उसमें उनकी सोच में संगीत आ चुका था। न कि महज उनका एक प्रोफेशन है या फिर सिर्फ उनका शौक है, नहीं, उनकी ज़िंदगी संगीत बन चुका था, तब वो ऐसी हरकतें कर पाते थे, ऐसे काम कर पाते थे। तो आज की तारीख में जब हमें पूरा पूरा दिन खाली मिल रहा है, कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो हम क्या करें? क्या हम उतना रियाज कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को उतने दिनों तक बंद रख सकते हैं? क्या हम संगीत को जी सकते हैं? उतना नहीं तो छोटा छोटा करके हम हमारे रियाज को बढ़ा सकते हैं। तो इन 21 दिनों का हम फायदा उठा सकते हैं जितने दिन अब बचे हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि एक आदत बना लें हमारी रियाज करने की,
क्या है कि कुछ दिनों तक अगर लगातार कुछ काम किया जाए तो वो आदत बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब और मैं खुद, हम सब ये निर्णय करें, ये एक प्रण लें कि हम इतने दिनों रियाज करेंगे। और घंटों का रियाज में ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना होता है, नहीं। रियाज का मतलब है एक ही चीज़ ली और उसी को बार 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 दोहराना है, उसी को परफेक्ट करना है। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, बॉलीवुड की मूवी है, अक्षय कुमार की मूवी, अक्षय कुमार उसमें एक्टर हैं। तो उसमें एक डायलॉग आता है जो बहुत ही मुझे प्रेरणादायक लगता है और आप तक भी मैं पहुंचाना चाहता हूं उसको। वो डायलॉग यूँ रहता है कि मुझे उन 10,000 मूव्स से ख़तरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे उस एक मूव से ख़तरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। तो प्रैक्टिस का असली अर्थ वही है कि जो एक चीज़ है उसको आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया है, उसको कितनी बार आपने दोहराया है, तब जाके उसमें वो बात, उसमें वो एक उसकी जो तासीर है उस एक अलंकार की, भले ही आपने एक ही अलंकार 1,000 बार बजाया लगातार, मगर उसमें धीरे 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 कैसे इंप्रूवमेंट होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सवेरे उठो, सवेरे का रियाज करो भैरव में, जो ये वोकल के लिए मैं बता रहा हूँ, सिंगिंग सिंगर्स के लिए बता रहा हूँ कि पूरे दिन की दिनचर्या क्या हो सकती है। सवेरे उठिए, आप 4 बजे उठ जाइए, 3:30 उठ जाइए जब भी आप उठते हैं, और उसके बाद दैनिक कर्म करके फ्रेशन अप होके रियाज पे बैठ जाइए, सा लगाइए, ओम लगाइए अपनी पहली काली का, अपनी चौथी काली का, जिससे भी आप कंफर्टेबल होते हैं, पहली पहली सफ़ेद, चौथी पांचवी, जहाँ से भी आप करते हैं रियाज वहाँ पे सा लगाइए, ओम लगाइए, कम से कम आधा घंटा ओम और सा का रियाज कीजिए, अ उ ओ ओम, जो रियाज का पैटर्न हमने बताया है वो कीजिए आधा घंटा। उसके बाद आप भैरव के अलंकार गाइए भैरव थाट में, क्योंकि वो सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, भैरव के अलंकार गाइए, फिर उसमें अलग अलग पलटे जो बताए गए हैं वो, और फिर 12 घड़ी का रियाज जो हमने बताया है, फिर जो स्वर विस्तार की तकनीकें बताई है वो, और बीज मंत्र जो बताए हैं वो, तो ये ब्रह्म मुहूर्त में ही आपका पूरा रियाज हो जाएगा। फिर आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, रेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि सो जाइए, रेस्ट इन द सेंस वहीं बैठिए, सांस को आराम दीजिए, थोड़ा व्यायाम कर लीजिए, सांस ऊपर नीचे जो आपकी चढ़ी है उसको शांत कर लीजिए, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करिए और फिर कुछ भोजन कर लीजिए, हल्का फुल्का भोजन कर लीजिए, और फिर स्नान ध्यान कर लीजिए, या तो स्नान आप पहले अगर कर चुके हैं तो बहुत ही बेहतरीन बात है, पर नहीं किया है तो उसके बाद स्नान करके अपना नाश्ता आपने कर ही लिया था और फिर से आप रियाज पे बैठ जाइए। फिर आप ये समझ लीजिए 10 से अगर आप रियाज पे दोबारा बैठते हैं, क्योंकि 7 बजे आप लगभग ये ख़त्म करेंगे, तो अगर उसके बाद आप 10 बजे या 9:30-10 बजे दोबारा बैठते हैं रियाज पर, या उसके बाद बैठ पाते हैं, तो आप थाट तोड़ी का रियाज कर सकते हैं, वो उसी समय का है, उसी समय का थाट है, उसमें अलंकार गाइए, अलग अलग पलटे बजाइए, और जब तक गाने का हो तब तक गले को भी ऐसा नहीं कि एक्सटेंड फोर्स करना है, नहीं, थोड़ा गाने का कीजिए, जब गला थक जाए तो उसी को हारमोनियम पर कन्वर्ट कर दीजिए, अलग अलग स्केल से अलग अलग थाटों में रियाज कीजिए। ये आप टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और हमने किया है यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, कि एक कमरा उनको प्रोवाइड करा दिया, एक कमरे में वो व्यक्ति पूरे दिन सवेरे से लेकर अगले दिन के सवेरे तक 24 घंटे तक उसी कमरे में रहा, बाहर नहीं आया, और उसमें उन्होंने रियाज किया है सवेरे से शाम तक। ये दिनचर्या मैंने उनको सेट करके दी थी और इसी दिनचर्या में उन्होंने किया, मैंने खुद ने किया, मेरी बहनों ने किया, यानी हम सब इस चीज़ को फॉलो कर चुके हैं, तभी आपको मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये करना बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और फिर ऐसा नहीं कि ये एक दिन कर लिया उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद आप सो जाओ या फिर से वही रूटीन, नहीं, डेली का रूटीन वो सेट हो जाएगा कि सवेरे के 2 घंटे, फिर दोपहर के 2 घंटे, फिर शाम के 2 घंटे, और बीच बीच में भी अगर वक्त मिल रहा है तो वो किया, तो धीरे धीरे इससे आपकी कैपेसिटी बनेगी। लेकिन इस दिनचर्या को बनाने के लिए, पूरे एक दिन को बनाने के लिए आपको छोटे 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 रियाज के सेशंस डेली लेने पड़ेंगे, तब जाके आपकी वो ताकत वो आपने डेवलप होगी कि एक जगह आप बैठ के 6 घंटा भी बजा सकते हो, रेगुलर 2 घंटा बजा सकते हो। ये तब होगा जब हर दिन आपने आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बनाई होगी। करना कुछ नहीं है, अगर आप तबले का रियाज कर रहे हैं 3 ताल लगा लीजिए और 1 लय पकड़ लीजिए और 3 ताल बजाते जाइए, ऐसे करते करते आवर्तन दर आवर्तन आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं जैसा जो मैं कभी कभार फॉलो करता हूँ इस रूटीन को, कभी कभार दूसरा रूटीन करता हूँ, इसीलिए मैं उसके भी एग्जांपल्स दूँ। जैसे तबले का रियाज करना है, 1/2 घंटे 1 लय ली, उसके बाद 1/2 घंटे उसके बाद दूसरी लय, फिर 1/2 घंटे अगली लय, उसी ताल को बजाना है, और बीच बीच में थोड़ा हाथ को रेस्ट देने के लिए कुछ कुछ चीज़ें बजा सकते हो आप, कायदे पलटे बजा सकते हो, कुछ टुकड़े परन बजा सकते हो, है ना, बाकी 3 ताल लग रही है तो 3 ताल, और 3 ताल में क्या होगा, लोच आ जाएगा हाथ में आपके। तो ये तबले के लिए हो गया। वोकल के लिए मैंने आपको बताया जो पलटे हैं अलंकार हैं वो आप कर सकते हो स्वर में आकार में, फिर हारमोनियम पर भी वही चीज़ कर सकते हो, थोड़ी थाट में कर लिया, फिर आपने थोड़ा सांस को रेस्ट देकर थोड़ा
आप फिर खाना खा लीजिए अपना, जैसा भी आपका शेड्यूल बैठता है खाना खा लीजिए, और उसके बाद फिर आप फिर से हारमोनियम लेके बैठ जाएं या फिर तबला लेके जो भी आप बजाते गाते हैं फिर आप उसको लीजिए। ज़्यादा गले को फोर्स नहीं करना है कि पूरे दिन गाना ही गाना है, ऐसा भी नहीं, धीरे धीरे कैपेसिटी बनेगी गले की। फिर आप शाम में कल्याण का रियाज कीजिए, और शाम से पहले आप जो आखिरी प्रहर जो रहता है उसमें आप पूर्वी का या तोड़ी पूर्वी या मारवा का रियाज कीजिए, है ना। तो ऐसे करके आपको रियाज थाटों का भी रियाज होता रहेगा, उसमें आप राग भी गा सकते हैं, उसमें आप वो थाट भी गा सकते हैं। और अगर आप राग ज़्यादा गाते हैं, वैसे जो रियाज है वो तो अलंकारों का आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बट हाँ उसमें थोड़ा पोर्शन ये भी रखिए कि आप उस राग का भी विस्तार करें, उसमें भी ख्याल करें, उसमें भी पलटों का रियाज करें, उसमें भी उच्चलन का रियाज करें, वो भी करना है, विलंबित का हो, मध्य लय का हो, जैसा भी हो। तो ये दिनचर्या जो है आप देख रहे हैं कैसे सेट हो रही है कि हमें घर बैठे हैं, लेकिन रियाज बराबर होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम जब तक ये बंद है, बाहर आना जाना दूसरे काम बंद है, तब तक तो हम ज़्यादा कर सकते हैं ना रियाज। उसके बाद क्या होगा, हमारा एक शेड्यूल सेट हो जाएगा, एक आदत बन जाएगी कि हम अब कर सकते हैं। अब क्या होगा, फिर हम जब हमारा रेगुलर लाइफ दोबारा हो जाएगी, यानी सब ओपन हो जाएगा और आप बाहर भी जा रहे हैं, दूसरे कामों में भी कर रहे हैं, तब अपने आप आपको जो आदत महसूस होगी ना, एक कमी महसूस होगी, यार रियाज नहीं हुआ है आज, तो आप ऑटोमेटिकली अपने शेड्यूल में से वो टाइम निकालोगे कि नहीं यार ये करना है, क्योंकि ये ज़रूरी बन चुका है, है ना। आदत होगी तो आदत धीरे धीरे आपकी ज़रूरत बन जाएगी ना, कि यार उसके बगैर हो नहीं रहा है काम, रियाज के बगैर चल नहीं रहा है काम, दिन में 2 घंटा निकालना है तो निकालना है, फिर वो एक आदत बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन में सबसे बेहतरीन तरीका है घर बैठो, स्टे होम एंड डू रियाज, है ना। वाई टू वेस्ट टाइम, क्यों आप मूवीज़ देखने में वक्त बर्बाद कर रहे हो, वेब सीरीज़ देखने में वक्त बर्बाद कर रहे हो, कि सीरीज़ की सीरीज़ निपटा रहे हैं, मूवी सीरीज़ निपटा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि इट्स वर्थ इट। ये जो छुट्टियाँ मिली हैं, एक तरह से छुट्टियाँ नहीं बोलना चाहिए इनको, बट ये जो वक्त मिला है हमें, इसमें हम वक्त ज़ाया क्यों करें, बर्बाद क्यों करें, क्यों ना उसमें काम करें और क्यों ना उसमें ज़्यादा काम करें। ये सोचिए कि एक बेनिफिट हो जाएगा, एक ये देखिए कि आपको शायद एक बेनिफिट की तरह ये दिन मिले हैं, है ना। उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए कि क्या करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और है ना मीम्स पढ़ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको ले रहे हैं, तो ठीक है, टेक इट एज अ चैलेंज, स्टे होम एंड डू रियाज। ये मेरा चैलेंज जो मैं आप सभी को देता हूँ, स्टूडेंट्स को देता हूँ, और मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चैलेंज कोई होगा नहीं, कि हमारे पास जितने दिन हैं हम उसमें रियाज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और क्या नहीं है रियाज करने को, आप हमारे चैनल पर देखिए, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने को, कि वो 21 दिन क्या 2100 दिन कम पड़ेंगे आपको, कि आपको इतना रियाज करना है। मगर ध्यान रखिए इस चीज़ को कि रियाज में कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टाइम ज़्यादा होना चाहिए, कि अपनी कैपेसिटी अनुसार, और ऐसा होगा, होगा ऐसा कि आपकी कैपेसिटी कहेगी कि नहीं यार आधे घंटे बाद आपको लगेगा मन नहीं लग रहा है या बोर हो रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, पर शेड्यूल सेट करने के लिए थोड़ा अपने आपको, ज़्यादा नहीं थोड़ा फोर्स करना पड़ता है ना, कि एक बार आधे घंटे के बाद हाथ पाँव दुख रहे हैं, शरीर दुख रहा है, पर हाँ थोड़ा खींच लो अपने आपको, थोड़ा खींच लो, 45 मिनट कर लो चलो, फिर धीरे धीरे वो 45 मिनट आपकी बाउंडेशन बन जाएगी, फिर थोड़ा और खींच लो कि चलो घंटा भर कर लो, है ना। तो वो थोड़ा पुश अपने आप को करना पड़ेगा। तो कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे हैं जो मैंने शेयर किए, तो आप भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बनाइए और शेयर कीजिए मुझ तक, और मैं पूरी दुनिया तक उसको शेयर करूंगा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि कैसे वक्त का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाता है और घर बैठे रियाज कैसे किया जाता है। तो रियाज को समझिए कि रेगुलर होना आवश्यक है, तभी बात है, ऐसा नहीं कि आज 2 घंटा कर लिया फिर हफ्ते भर बाद 2 घंटा किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, रेगुलर करना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या मदद करना चाह रहा हूँ आपकी, सिखाना तो नहीं चाह रहा हूँ पर हाँ मदद करना चाह रहा हूँ कि रियाज कीजिए घर बैठे, खुद में आप बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है। तो देखते रहें इसी तरह संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि घर बैठे सभी लोग इस कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए जो घर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन हो रखा है, उसमें रियाज कर सकें। धन्यवाद।